हेलो फ्रेंड्स, फिर से आ गया हूँ एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। आज हम फिर से 5-in-1 मशीन का डेमो करने वाले हैं न्यू मॉडल में। फ्रेंड्स, पहले भी हम 5-in-1 का डेमो कर चुके हैं, लेकिन ये डिफरेंट मॉडल है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो चलिए इसका एक छोटा सा डेमो कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए डेमो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पहले भी 5-in-1 के डेमो में बताया हुआ है, सेम उसी तरह से है। अल्ट्रासोनिक का डिजाइन चेंज है, मॉडल चेंज है। तो यहाँ पे आपको IFT 10MS के 125 प्रोग्राम मिल जाते हैं, कॉम्बिनेशन थेरेपी 5-in-1 यूनिट। इसमें आपको IFT के 70 प्रोग्राम मिल जाते हैं, 10s के 30 प्रोग्राम मिल जाते हैं, MS के 25 प्रोग्राम मिल जाते हैं। आपको इस LCD में 125 प्रोग्राम शो होंगे। यहाँ से आपको सेट करना है कि आपको IFT चलानी है, 10s चलाना है या MS चलाना है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको अल्ट्रासोनिक मिल जाती है 5 LED वाली, जिसमें आपको मोड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पल्स कंटिन्यूस सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। पल्स मोड में आपको यहाँ पे शो होगी 3.5 तक कंटिन्यूस में, और पल्स में शो होगी 1:1, 1:7 ऐसे करके। तो वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। यहाँ पे आपको हीट थेरेपी मिल जाती है, जिसके 2 सॉकेट हैं। तो फ्रेंड्स, इस मशीन के साथ क्या क्या मिल जाता है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके साथ आपको मिल जाता है अल्ट्रासोनिक का हैंडल, वायर, एक मैन कोड, वेलक्रो, पैनल इलेक्ट्रोड, 2 ब्लू 2 रेड पैड, 2 वायर 2 रेड 2 ब्लैक, हीट थेरेपी का 2 पीस पैड हो गया आपके। तो वायर और पैड को मशीन से अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मशीन से वायर को अटैच कर लेंगे, ब्लैक में ब्लैक, रेड में रेड। रेड को अटैच कर लेंगे, रेड को रेड। फ्रेंड्स, पैड तो हम एकदम सही से अटैच करेंगे, क्योंकि कभी दिक्कत आती है कि आउटपुट नहीं आ रही, तो पिन पैड से अटैच नहीं हो पाता सही से। तो इसलिए आपको इसको अंदर तक डाल देना है कि पिन पैड से सही से अटैच हो जाए। फ्रेंड्स, मैं तो आपको ऐसे ही चेक करके दिखा रहा हूँ, जब भी आपको यूज करना हो तो आप इसको जेल लगा करके यूज करें, आउटपुट सही फील होगी आपको। तो यहां से हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि आपको मैनुअल मोड दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैनुअल मोड आ रहा है IFT का, जो ब्लिंक कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर हमें IFT के मोड को इस्तेमाल नहीं करना है, 10s को करना है, तो 10s पे ब्लिंक कर रहा है। यहाँ से हम मोड सिलेक्टर करेंगे, जैसे कि मैनुअल पे है, अब इस पे हम सिलेक्ट करेंगे तो ये IFT पे आ गई। यहाँ से हम प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं। ये आपकी रशियन करेंट आ गई, 10s आ गया, MS आ गया आपका। तो इसी तरीके से आप डायरेक्ट मशीन को भी चेंज कर सकते हैं कि आपको IFT नहीं चलानी है, 10s चलाना है, तो डायरेक्ट आप 10s में जा सकते हैं या MS में जा सकते हैं। जैसे कि MS का प्रोग्राम मुझे यूज करना है, तो ये MS पे हम आ गए। इसके ये जो ब्लिंक कर रहा है, इसको हम जाएंगे प्रोग्राम पे।
ये प्रोग्राम पे आ गया 101 एमएस का मोड है, तो यहाँ से आप एमएस यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने हिसाब से जो प्रोग्राम चाहे वो यूज कर सकते हैं। तो हमें आईएफटी यूज करनी है, तो हम इस पे आ गए और प्रोग्राम को आईएफटी पे आ गए। आईएफटी हम चले जाएंगे प्रोग्राम पे, प्रोग्राम वन आईएफटी का, या तो हम मैनुअल मोड भी यूज कर सकते हैं। तो मैनुअल मोड को हम स्टार्ट कर लेंगे। स्टार्ट हो गया, टाइम अपने आप सेट है 8 मिनट। तो अब हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। आउटपुट सही आ रही है। अब एक हम पल्स मोड वाला प्रोग्राम यूज कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम एक बार टेंस का मोड इस्तेमाल कर लेंगे। रशियन, ये टेंस आ गया। टेंस पे हम 71 प्रोग्राम 71 को स्टार्ट कर लेंगे। स्टार्ट, हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। तो इसमें भी आउटपुट बहुत बढ़िया आ रही है। तो इसी तरीके से आपको जो भी प्रोग्राम सेट करना हो, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और मशीन यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आईएफटी टेंस एमएस का डेमो। अब हम अल्ट्रासोनिक को चला के देख लेते हैं। इसको हम कर देंगे स्टॉप, स्टॉप हो गई। इसको हम बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आप टाइमर अप डाउन कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने हिसाब से 99 तक जाएगा, 99 तक जिस हिसाब से आपको पेशेंट को ट्रीटमेंट देनी हो, जितनी देर देनी हो, आप सेट कर सकते हैं। तो हम इसमें 10 मिनट सेट कर लेंगे। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन आ रहा है, जो आपको सी लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये कंटिन्यूस मोड में है। अगर आपको पल्स मोड यूज करना है, तो हम यहाँ पे पल्स भी आ जाएगा, पल्स मोड हो गया ये। यहाँ पे पल्स मोड के आपके ड्यूरेशन दिखाएगा 1:1। अब ड्यूरेशन हमें चेंज करनी है पल्स मोड की, तो हम यहाँ से करेंगे 1:3, 1:5। तो इसके पल्स ड्यूरेशन हो गई। तो इसलिए अगर हमें कंटिन्यूस पे यूज करना है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस पे अगर आप इंटेंसिटी को फुल कर देते हैं, तो 3.5 तक आएगी। जब आप फुल करेंगे, तो यहाँ पे भी फुल आपको 3.5 शो करेगी। जैसा कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टाइमर का जो ये डॉट का बटन है, ब्लिंक करने लगा, समझ जाइए कि मशीन स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ से हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। तो देख पा रहे हैं आप 3.5। इसको हम बंद कर देते हैं। हम अल्ट्रासोनिक का हैंडल और वायर को अटैच कर लेंगे मशीन से सबसे पहले। फ्रेंड्स, एक चीज का आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको 3 सॉकेट दिख रहे हैं। जो 2 पिन का सॉकेट है वो अल्ट्रासोनिक का है, और जो 3 पिन के सॉकेट है वो हीट थेरेपी के हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि गलती से आप उसमें ना लगाने की कोशिश करें। टू पिन सॉकेट और ये
टू पिन सॉकेट, तो इसको हम मशीन से अटैच कर देंगे। फ्रेंड्स थोड़ा सा वाटर ले लेंगे आउटपुट को चेक करने के लिए। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इस पर हम थोड़ा सा वाटर अटैच कर लेंगे, ये हमने कर लिया। अब हम इंटेंसिटी बढ़ा लेंगे, तो ये देख पा रहे हैं आप कंटिन्यूअस मोड की आउटपुट 183 वाली, 3.5, पानी रुकने नहीं दे रही है हैंडल पे। तो फ्रेंड्स एक चीज और, कभी भी किसी पेशेंट को आपको 3.5 पे नहीं देना है, क्योंकि 3.5 पे जो रेस निकलती है वो काफी ज्यादा निकलती है, तो इसलिए आप इसका ध्यान रखें। 3.5 उसी पेशेंट को दिया जाता है जिसको ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है कुछ। तो फ्रेंड्स ये था इसका कंटिन्यूस मोड। अब इसका हम पल्स मोड यूज कर लेंगे। पल्स मोड करने के लिए हमें मोड पे क्लिक करना है। पहले तो स्टॉप कर देंगे, अब यहाँ मोड पे क्लिक करेंगे, पी आ गया पल्स मोड, स्टार्ट का बटन दबाएंगे। ये 1:1 की पल्स मोड, यहाँ से हम मोड चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि हमें पल्स की ड्यूरेशन चेंज करनी है तो यहाँ से स्टॉप करेंगे, यहाँ से 1:3, 5, 9, तो 9 वाले को हम यूज करेंगे, तो प्लस का बटन दबा देंगे। अब ये देखिए 1:9 की पल्स ड्यूरेशन, तो फ्रेंड्स ये थी पल्स ड्यूरेशन। इसी तरीके से आपको मशीन यूज करनी है, तो अल्ट्रासोनिक का भी डेमो कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम हीट थेरेपी का डेमो कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हीट थेरेपी को लगा के आपको चेक करा देते हैं, काफी लंबी वीडियो। जैसी पैड 100 डिग्री तक गर्म हो जाएगा अपने आप ये कट आउट हो जाएगा, मतलब आपको ऑफ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ये बंद हो जाएगा। और जैसी फिर ये ठंडा होने लगेगा तो अपने आप ये चालू हो जाएगा। तो पैड में हीटिंग चालू हो गई है, एक बार 2 मिनट वेट कर लेते हैं हम फुल हीट होने तक। तो हीटिंग भी बहुत बढ़िया हो रही है। तो फ्रेंड्स ये था एक 5-in-1 का कंप्लीट डेमो। फ्रेंड्स मैंने आपको पेन इलेक्ट्रोड के बारे में नहीं बताया, क्योंकि पेन इलेक्ट्रोड आपको पता ही है कैसे यूज करना है। आपको कोई भी दो पैड लेने हैं और एक पैड में आपको पैड लगा हुआ छोड़ना और एक में पेन इलेक्ट्रोड यूज करना है, उसी हिसाब से जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स डेमो कंप्लीट होता है। थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं।